वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सी सी ए अकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ टैट 2023 जून का जो फिजिक्स का पोर्शन था उसको हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। हाँ जी, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या रहेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलेगा तो आपने याद रखना है कि जो आर रहता है, रेजिस्टेंस जो रहती है, वो किसके इक्वल रहती है। हाँ जी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, रो एल अपॉन ए। अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मुझे लिखना है तो वॉल्यूम मुझे पता है किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल। तो अगर इसको मैं रीअरेंज करूं फिर से तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो, हाँ जी, एल स्क्वेयर डिवाइड बाई वी। ओके, तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, ये वाला भी और ये वाला भी रिलेशन याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि जो लेंथ है वो क्या कर देते हैं, उसको मेल्टेड करके उसको हाफ कर देते हैं। तो पहले मान लो लेंथ जो है एल एल थी, स्मॉल एल थी, अब बाद में कितनी हो गई, उसको बोल दिया एल डैश। तो एल डैश इज इक्वल टू पहले जो लेंथ थी उसका क्या कर दिया, अब हाफ कर दिया। ओके, अब ये जो आपने एल डैश की वैल्यू है इसको कहाँ पे पुट कर लेंगे। हाँ जी, अब न्यू रेजिस्टेंस जो हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, तो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू, हाँ जी, वो हो जाएगी आपके पास रो एल डैश स्क्वेयर डिवाइड बाई, हाँ जी, वी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एल डैश की वैल्यू जो है अगर आप पुट करोगे क्या एल बाई टू, तो आ जाएगा ये रो, हाँ जी, एल डिवाइड बाई टू और इसका स्क्वेयर। ओके, हाँ जी, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई वी। क्लियर, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको आप करोगे सॉल्व तो क्या बन जाएगा, ये रो एल स्क्वेयर डिवाइड बाई वी और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास फोर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो आपके पास है ये वाली पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या था आपके पास, जो स्टार्टिंग पे आपके पास रेजिस्टेंस थी। तो आप लिख सकते हो यहाँ से, यहाँ से आप लिख सकते हो कि आर डैश इज इक्वल टू, हाँ जी, आर डैश इज इक्वल टू फोर टाइम आर इन टू डिवाइड बाई फोर। क्लियर, तो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा इसमें करेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ़ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज हैवर देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। हाँ जी, अगर क्या किया जाए, लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम की उसको हाफ कर दिया जाए तो बताइए उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है किसके इक्वल रहता है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई, हाँ जी, एल अपॉन जी, एल अपॉन जी। अब लेंथ को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेंथ को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। ये स्टार्टिंग में है, अब मैंने बोल दिया, अब लेंथ को क्या कर दिया, नेक्स्ट अगर टाइम पीरियड डैश टी डैश हम देखें तो टू पाई। अब लेंथ को क्या कर दिया, स्टार्टिंग में एल थी, अब क्या कर दिया एल बाई टू, तो एल बाई टू किया तो यहाँ से आ गया जी। क्लियर, अब क्या किया यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करके क्या आएगा, हाँ जी, टी डैश डिवाइडेड बाई टी, तो हमारे पास आ जाएगा ये टू पाई अंडर रूट एल अपॉन टू जी, एल अपॉन टू जी और डिवाइडेड बाई टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, ये आपका सारा अंडर रूट में रहेगा, बाकी सारा कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ओनली, हाँ जी, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास टी अपॉन टू, तो यहाँ से आपके पास ये भी अंडर रूट एल से अंडर रूट एल कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। और यहाँ से अगर आप टी डैश निकाल लोगे तो टी डैश इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई रूट टू। हाँ जी,
तो जो डिक्रीज कर जाएगा आपका टाइम पीरियड क्या किस फैक्टर से, बाई अंडर रूट टू। तो इसका जो ऑप्शन आपका फोर्थ है वो राइट रहेगा, डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ रूट टू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, इफ टू प्लेन मिरर फेसिंग ईच अदर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाई एन ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन देम इज, हाँ जी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपने फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, एन नंबर ऑफ इमेजेस जो रहेंगी वो एन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा माइनस वन। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी गई है आपके पास 30 डिग्री, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 30 डिग्री माइनस वन। यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा ये, हाँ जी, 12 माइनस वन, तो 12 माइनस वन इज इक्वल टू 11। ओके, तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, द यूनिट न्यूटन सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, हाँ जी, न्यूटन सेकंड जो यूनिट है वो किसके इक्विवेलेंट है। तो न्यूटन सेकंड जो है ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए, हमने पढ़ा है पहले भी, हाँ जी, हमारी जो क्लासेस हुई हैं ऑनलाइन उसमें हमने देखा है कि जो इम्पल्स रहता है वो रहता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई न्यूटन और टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड, तो वहाँ से हमारे पास ये बना है। अब फोर्स को अगर मैं और तरीके से लिखूँ तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर मैं यहाँ पे एफ की जगह एम ए लिखूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एम ए साथ में टाइम टी। अब एम ए, एम की यूनिट है आपके पास मास है, मास की यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलेरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और एक टाइम और है हमारे पास इंटू सेकेंड। तो कितना आ जाएगा ये, हाँ जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है यहाँ पे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर जो कि एक्सेलेरेशन की यूनिट है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर, यहाँ पे माइनस टू है यहाँ पे प्लस वन है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, विच फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, कौन सा फोर्स जो है लगेगा जब आप क्या करोगे, हाँ जी, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करोगे। तो ऑप्शन दिए गए हैं फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कहाँ लगता है, आउटसाइड। ओके, जहाँ मान लो सर्कुलर है, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल से अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कल से बाहर की साइड को जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर वाली साइड को फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अंदर वाली साइड को जो लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और बाहर वाली साइड को जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, इफ प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज टू डबल व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी ऑफ साउंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ऑप्शन दिए गए हैं 664 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 166 मीटर पर सेकेंड, या 100 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्रेशर है, हाँ जी, प्रेशर का वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले जितनी, हाँ जी, जितनी वेलोसिटी ऑफ साउंड पहले थी उतनी ही रहेगी बाद में भी, क्योंकि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वेलोसिटी ऑफ साउंड पे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, हाँ जी, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, हाँ जी, जब किसी बॉडी को या किसी बॉल को ऊपर की तरफ को फेंका जाता है तो वैल्यूज ऑफ जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा और रहेगा ऑप्शन सी नेगेटिव। ओके, नेगेटिव वैल्यू रहेगी इसके लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है,
हाँ जी, ए बॉय वेट 50 kg क्लाइम्स 45 stairs इन 9 सेकेंड इफ ईच स्टेप इज ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर देन हाउ मच पावर डिड द बॉय स्पेंड। हाँ जी, एक बॉय है जिसका वेट 50 kg है और वो क्या करता है, क्लाइंब सीढ़ियाँ चढ़ता है। कितनी सीढ़ियाँ बताई गई हैं, 45 सीढ़ियाँ हैं, और कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। और हर एक जो सीढ़ी है उसके जो हाइट है वो दी गई है आपके पास 15 सेंटीमीटर। आपको बोला है पावर फाइंड करने के लिए। ओके, तो पावर कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे हम। हाँ जी, तो पावर आपको पता है, पावर इज इक्वल टू, हाँ जी, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन अपॉन टाइम है, यहाँ पे हमारे पास वर्क जो है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, तो एम जी एच डिवाइड बाई टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है एम इज इक्वल टू 50 kg। ओके, एम 50 kg है, एच आपके पास दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा 0.15 मीटर। ओके, और साथ में टाइम दिया गया है, टाइम कितना है, 9 सेकेंड। अब वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा ये आपके पास। हाँ जी, पावर इज इक्वल टू एम है आपके पास 50, जी है आपके पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ 10, इंटू एच है, हाँ जी एच है हमारे पास 0.15, और 0.15 है यहाँ पे। हाँ जी, अब कितनी है टोटल ये, हाँ जी 45 है, तो 45 है तो 45 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब 45 स्टेयर्स हैं तो, और एक स्टेयर की जो हाइट है वो 15 है, तो 45 की भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। साथ में टाइम दिया गया है 9 सेकेंड, तो अभी यहाँ पे 9 1 9, 9 5 45, और जब इसको सारे को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके निकल के आएगा यहाँ पे 375 वॉट। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस इन एयर एंड इट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, विच टाइप ऑफ वेव वुड इट बी। हाँ जी, एक वेवलेंथ दी गई है, ठीक है, किसी वेव की जो है 0.3 मीटर, एंड वो ट्रेवल करती है किस स्पीड से, 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो पूछा गया है इनमें से कौन सी वो वेव रहेगी। ओके, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको बनता है तो आपने याद रखना है फॉर्मूला कौन सा, कि एन जो रहता है, हाँ जी एन जो रहता है वो किसके इक्वल रहेगा, वी अपॉन में लैम्डा, स्पीड अपॉन में वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन है क्या, स्पीड दी गई है 300 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, वेवलेंथ दी गई है 0.3। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ, यहाँ पे पॉइंट को हटा दूँ, तो 3 अपॉन 3000 अपॉन 3 बन जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1000। ठीक है, तो 1000 हर्ट्ज़, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी आपके 3000 हर्ट्ज़। अब 1000 हर्ट्ज़ जो है आपको पता होना चाहिए कि ऑडिबल जो वेव्स होती हैं उनकी जो रेंज होती है वो किसके इक्वल रहती है, 20 हर्ट्ज़ टू 20000 हर्ट्ज़, 20000 हर्ट्ज़। ओके, और जो इंफ्रासोनिक रहती है वो लेस देन 20 हर्ट्ज़ रहती है, और इन अल्ट्रासोनिक में ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज़, 20000 हर्ट्ज़। क्लियर, ग्रेटर देन रहेगी अल्ट्रासोनिक के लिए, लेस देन रहेगी इंफ्रासोनिक के लिए, और ऑडिबल जो साउंड वेव रहेंगी वो रहती है 20 हर्ट्ज़ से 20000 हर्ट्ज़। तो 1000 जो है वो 20000 20 हर्ट्ज़ से 20000 के बीच में है, इसलिए जो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही रहेगा, क्योंकि ये कैसी वेव्स निकल के आई हमारे पास, ऑडिबल वेव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए 220 वोल्ट, 100 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स, द पावर कंजप्शन बाय द बल्ब इज। हाँ जी, ये 220 वोल्ट और 100 वॉट का बल्ब है, उसको कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, 100 वोल्ट सोर्स के साथ। तो वो लगे पावर क्या रहेगी, तो याद रखेंगे यहाँ पे रिलेशन याद रखेंगे कि जो पावर रहती है वो किसके इक्वल रहती है, वी स्क्वेयर अपॉन आर। यहाँ पे वी पोटेंशियल है और आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू,
हाँ जी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, वी स्क्वेयर अपॉन पी। अब वी यहाँ पे गिवन है हमारे पास कितना, 220, 220 दिया गया है, और पावर किसके इक्वल दी गई है, 100 वॉट। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आपके निकल के आएगा यहाँ पे 484 ओहम, 484 ओहम निकल के आ जाएगी रेजिस्टेंस। अब आपने फाइंड क्या करना है, पावर, पावर करनी है फाइंड। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। अब वी स्क्वेयर यहाँ पे क्या दिया गया है, सोर्स की सप्लाई जो है किसके इक्वल दी गई है, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई आर। आर निकल के आया है हमारे पास 484। अब जब इसको कैंसिल आउट करोगे, कट करोगे, तो ये निकल के आएगा, हाँ जी ये निकल के आएगा, जब इसको इस 110 से डिवाइड करोगे तो यह निकल के आएगा 25 वॉट। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। हाँ जी, कंडक्टिविटी जो है उसकी एसआई यूनिट पूछी गई है, तो याद रखेंगे जो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वो रहता है 1/ρ। रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, तो 1 अपोजिट रहता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। और जो इसकी यूनिट बनेगी, अगर मैं इसकी बात करूँ, हाँ जी, रेजिस्टिविटी की, तो इसकी यूनिट बनती है ओहम मीटर। और अगर मैं इसकी बात करूं सिग्मा की, तो सिग्मा की क्या बन जाएगी यहां से, पर ओहम पर मीटर। ओके, तो पर ओहम पर मीटर तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा जो है और जो यूनिट बनेगी यहां पे, वो क्या बन जाएगी यहां पे, सैमन। ओके, तो इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी सैमन पर मीटर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट रहेगा। जो सैमन यूनिट है वो कंडक्टेंस की रहती है, कंडक्टेंस की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहती है, हाँ जी सैमन। क्लियर, तो कंडक्टेंस की यूनिट ये रहेगी। इसके अलावा कंडक्टेंस की एक और यूनिट है ओहम इनवर्स। ओके, ओहम इनवर्स भी कंडक्टेंस की यूनिट है, और साथ में सैमन वो भी कंडक्टेंस की यूनिट है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर वो क्या शो करेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है टैट के एग्जाम में। तो हाँ जी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखें यहाँ से, एरिया अगर बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपको बोला जाए यहाँ पे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो रहेगा किसके इक्वल, एक्सलरेशन के इक्वल। ओके, तो ये याद रखना है, अगर स्लोप बोला होगा तो एक्सलरेशन रहेगा, अगर एरिया बोला होगा तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार साइटनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग। हाँ जी, फार साइटनेस को अगर करेक्ट करना है, दूर दृष्टि जो रोग है उसको अगर ठीक करना है, तो उसके लिए किस लेंस का यूज करेंगे, तो ऑप्शन दिए हैं कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का यूज करके आप फार साइटनेस को जो है उसको करेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिम एनर्जी। हाँ जी, इनमें से किसकी जो है एनर्जी मैक्सिम है, ब्लू लाइट की, ग्रीन लाइट की, रेड लाइट की, या येलो लाइट की। तो इसमें राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ब्लू लाइट। ब्लू लाइट की जो है एनर्जी जो है मैक्सिम रहती है। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह से ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर रिफ्लेक्ट बैक रेडियो वेव टू अर्थ सरफेस। हाँ जी, कौन सी जो लेयर्स है जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो आयनोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, या एक्सोस्फेयर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आयनोस्फेयर। जो रेडियो वेव है वो टकरा के, आयनोस्फीयर से टकरा के वापिस अर्थ सरफेस पे वापिस आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनीमोमीटर। हाँ जी, एनीमोमीटर की हेल्प से किस चीज़ को मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, डेप्थ ऑफ वाटर, विंड स्पीड, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा विंड स्पीड। ओके, विंड स्पीड को अगर मेजर करना है तो उसके लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या रहेगी, वेबर, टेस्ला पर मीटर स्क्वेयर, टेस्ला या वेबर मीटर।
तो याद रखेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल रहता है, वो रहता है बी इंटू ए। ओके, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ए यहाँ पे एरिया है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बी इंटू ए रहेगा, और इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है आपके पास वेबर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो एक किसकी वजह से होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, सरफेस टेंशन होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करेंगे, और ये रहेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है मैथमेटिकली आप अगर डिनोट करना है सरफेस टेंशन को तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, और अगर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर। क्लियर, तो ये याद रखना है आपने, सरफेस टेंशन जो है यूनिट या इससे इसकी पूछी गई है पहले भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू। हाँ जी, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल रहता है, तो याद रखेंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर के इक्वल रहता है, बट यहाँ पे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे 10^-9 × 10^-2। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10^-7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ। इनमें से किसकी वेवलेंथ जो है लीस्ट है, हाँ जी किसकी वेवलेंथ जो है लीस्ट है। ऑप्शन दिए गए हैं एक्सरेज, हाँ जी एक्सरे, अल्फा रेज, गामा रेज या बीटा रेज। हाँ जी, तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सबसे कम जो है वेवलेंथ किसकी रहती है। हाँ जी, तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा गामा रेज। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी मैक्सिम रहती है, यहाँ पे लिस्ट की जगह अगर मैक्सिम पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम जो रहेगा वो रहेगी आपकी रेडियो वेव। ओके, तो याद रखेंगे कौन सी वेव रहेंगी, रेडियो वेव। ओके, तो ऑप्शन इसमें क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स, हाँ जी इट्स वेवलेंथ रिमेन सेम, फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज, ये ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। हाँ जी, तो क्या रहेगा इसमें सेम बताइए जरा। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा, देखो वेवलेंथ तो चेंज होगी, वेवलेंथ तो सेम नहीं रहेगी। हाँ जी, वेवलेंथ चेंज होगी, इसमें क्या होगा फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी सेम रहेगी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। हाँ जी, इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो है कितना रहता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है तो पूछा गया था एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर रहेगा 17.2 सेंटीमीटर। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस बाय, हाँ जी एनर्जी ऑफ सन जो है प्रोड्यूस बाय ऑक्सीजन, न्यूक्लियर फीजन, आयोनाइजेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये सभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे गए थे, तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको पता होना चाहिए तभी आप इसको ठीक कर पाओगे। तो ऑप्शन डी इसको जो है राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एट व्हाट एंगल विद हॉरिजेंटल स्टोन शुड बी थ्रोन सो दैट इट कवर मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हाँ जी, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो कब, अगर किसी पत्थर को जो है हॉरिजेंटल सरफेस की तरफ फेंका जाए, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंका जाए, तो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है कब वो मैक्सिमम फॉलो करेगा, किस एंगल पे फेंकेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर करेगा, हॉरिजेंटल रेंज जो है मैक्सिमम कब रहेगी, किस एंगल पे फेंकने पे रहेगी, ये पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से है। ओके, और मैंने बताया था कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस बॉडी तय कवर करेगी उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल रेंज। और हॉरिजेंटल रेंज मतलब रेंज मैक्सिमम तभी होगी अगर एंगल, किस एंगल पे अगर हम उसको फेंकेंगे, तो ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट रहेगा, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री के अगर आप फेंकोगे तो रेंज जो है वो मैक्सिमम रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है
हाँ जी, साउंड इज हियर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस ऑन रेनी डे बिकॉज, हाँ जी, साउंड को जो है रेनी डे में जो है ज़्यादा डिस्टेंस तक सुन सकते हैं, क्या क्यों? तो ऑप्शन देखें, साउंड ट्रैवल स्लोली इन मॉइस्ट एयर, साउंड ट्रैवल फास्ट इन मॉइस्ट एयर, एंड मॉइस्ट एयर डज नॉट एब्जॉर्ब साउंड, या मॉइस्ट एयर एब्जॉर्ब साउंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, साउंड ट्रैवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर। हाँ जी, मॉइस्चर जहाँ पे होगा वहाँ पे जो है साउंड जो है वो फास्ट मूव करेगी। ओके, तभी बारिश के बाद जो है एयर में मॉइस्चर होता है, इसलिए वहाँ पे साउंड जो है फास्ट मूव करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, 1 आवर यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू, हाँ जी, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है 646, 746, 846 या 748। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 746 वॉट के कुल ये रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट, हाँ जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो किसको कन्वर्ट करता है? हाँ जी, तो क्या होता है वहाँ पे? तो लो वोल्टेज एट लो करंट इंटू हाई वोल्टेज एट हाई करंट, सेकेंड ऑप्शन है हाई वोल्टेज एट लो करंट इंटू लो वोल्टेज एट हाई करंट, थर्ड है हाई वोल्टेज एट हाई करंट इंटू लो वोल्टेज एट लो करंट, एंड लास्ट है लो वोल्टेज एट हाई करंट इंटू हाई वोल्टेज इंटू एट लो करंट। तो इसका ऑप्शन जो है डी रहेगा, कि जो स्टेप अप है, अप का मतलब हुआ ट्रांसफार्मर अप कर रहा है, ठीक है, तो लो वोल्टेज को हाई कर रहा है, तो लो वोल्टेज एट हाई करंट इंटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। अगर यहाँ पे स्टेप डाउन लिखा होता, हाँ जी, स्टेप डाउन अगर लिखा होता यहाँ पे, तो स्टेप डाउन के केस में क्या होगा? हाँ जी, मतलब हाई वोल्टेज को लो करंट के ऊपर कन्वर्ट करेगा इंटू लो वोल्टेज एट हाई करंट, तो आपके पास ऑप्शन बी तब सही रहता, अगर डाउन बोला होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एन एयर बबल इन वाटर बिहेव एज, हाँ जी, एयर बबल जो है वाटर में वो किसकी तरह बिहेव करता है? कनकेव लेंस की तरह, कन्वेक्स लेंस की तरह, कनकेव मिरर की तरह, या कन्वेक्स मिरर की तरह? हाँ जी, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा एयर बबल जो है वाटर के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है किस टेम्परेचर पे रहती है? तो ऑप्शन इसका ए जो है करेक्ट रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपसे पूछ लिया है कि वॉल्यूम जो है मिनिमम किस टेम्परेचर पे रहता है वाटर का, तो ये भी आपका आंसर सही रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे, हाँ जी, वॉल्यूम जो है मिनिमम रहेगा, मिनिमम रहेगा वाटर का एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, स्विमिंग पूल लुक्स लेस डीपर देन इट्स रियल डेप्थ, द रीजन इज, हाँ जी, स्विमिंग पूल जो है वो गहरा कम दिखाई देता है एज कम्पेयर टू उसके रियल डेप्थ के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन दिए गए हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, या इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से जो है स्विमिंग पूल जो है लेस डीपर दिखता है देन इट्स रियल डेप्थ। ओके, तो ये थे इस सीरीज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।